Hello students, welcome back. Today we will continue with our chapter that is Indian economy on the eve of independence. In this chapter we are basically trying to understand the state of Indian economy at the time it gained independence. So for that we will have to study different sectors individually. In the last video we had discussed the agricultural sector, how the Indian agricultural sector, which was independent and self-reliant, it came to be dependent and very backward. In this video we will be discussing mainly about the industrial sector, foreign sector and demographic structure of India. Okay, so industrial sector, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, दैट वॉज वेरी वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मेनली आपके कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स आते हैं और मेटल वर्क्स. इन सब में इंडिया बहुत फेमस था. थ्रू आउट वर्ल्ड इनकी डिमांड होती थी, एक्सपोर्ट किए जाते थे गुड्स टू चाइना एंड ईरान, इराक, पर्शिया, इन सारी जगहों पर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बहुत डिमांड थी. बट वेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, उन्होंने सिस्टमैटिकली इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया. ये सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन था. कैसे हुआ ये हम पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, तो पहले हम आते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे. ये इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया था. कैसे? ये पूरा सिस्टमैटिकली वे में हुआ था, जिससे कि कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं अलाउ की गई थी कि कोई कम अप हो. और यहां से क्या होता था, मेनली इनका टू जो ये डिस्ट्रक्शन था, ये दो तरीकों से किया गया था. क्या करते थे ब्रिटिशर्स, यहां से रॉ मटेरियल्स खरीदते थे और ले जाकर के उसको एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स लेकर के आते थे जो इंडिया में सेल करते थे. अब वो फिनिश्ड गुड्स जो होते थे ब्रिटेन के, मशीन मेड गुड्स होते थे. ओके, तो वो मशीन मेड गुड्स, एक तो मशीन में कम टाइम कंज्यूम होगा और ज्यादा बेटर क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो चीप होते थे. तो जब वो चीप गुड्स लाकर के इंडियन मार्केट्स में सेल करते थे, तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो यहाँ के गुड्स बनाने वाले थे, यहाँ का बिजनेस पूरा खराब हो गया. इंडिया की होम इंडस्ट्री जो थी, दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दोज चीप गुड्स. ओके, इनका मेन एम ये था कि अपनी कंट्री को, ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, और पूरा यहां से रॉ मटेरियल्स ड्रेन करके ब्रिटेन ले जाते थे और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स लेकर के आते थे. तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया. यहाँ पर रॉ मटेरियल्स की भी कमी होने लगी. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दिस डिक्लाइन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ये जो खत्म किया जा रहा था इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, उसके क्या इफेक्ट्स हुए थे? तो बहुत इफेक्ट्स हुए थे, उसमें से दो मेजर इफेक्ट्स हैं. पहला था कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जब इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो जो आर्टिसंस थे, जो इस ये सब काम करते थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए. मास लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था. ओके, तो ये लोग जाकर के गांवों की तरफ मूव करने लगे. इनको जबरदस्ती एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ा अपनी इनकम के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए. तो एग्रीकल्चर पे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था एग्रीकल्चर पे. इसके अलावा इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये है कि इंडियन गुड्स की, जो लोग अभी भी गुड्स बना रहे थे, जो इंडिया की होम इंडस्ट्री थी, इंडिया के आर्टिसंस थे, उनकी डिमांड से बहुत फर्क पड़ने लगा. क्योंकि धीरे धीरे लोगों को मशीन मेड गुड्स पसंद आने लगे, तो इस वजह से ज्यादा फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट किया जाने लगा. और जो लोग अभी भी कोशिश करके गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके गुड्स की डिमांड भी टोटली खत्म हो गई. देन द थर्ड थिंग इज द लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं. कैपिटल गुड्स आर बेसिकली द मशीन्स, प्लांट्स, टूल्स, जो हमें फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ये वो गुड्स होते हैं जो एज सच हम इनका यूज नहीं करते, हम इनका यूज करके और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं, उनकी कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं सेटअप की गई थी.
जितनी भी मशीनरी टूल्स होते थे वो सब ब्रिटेन से इम्पोर्ट किए जाते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं पाया, इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हो पाई। मेन रीजन इसका यही था कि यहाँ पर कोई कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो मशीनरी टूल्स प्लांट्स इन सबको मैन्युफैक्चर करे जिससे कि यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जा सके। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज द लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ये जो अब नया इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर था इंडिया का जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ, क्योंकि खुद का इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था, जो भी गुड्स थे वो बाहर से इम्पोर्ट किए जा रहे थे, तो जीडीपी जो क्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट था उसमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, बहुत लो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा था। नेक्स्ट थिंग इज द लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जैसे हम आज के इंडिया की बात करें तो रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दीज आर पब्लिक सेक्टर। ओके, तो पब्लिक सेक्टर उस टाइम पे बहुत लिमिटेड था। गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं चीजों पर, उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस कर रहे थे जिससे उनको फायदा हो, तो वो कन्फाइंड था टू रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। रेलवेज क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेलवेज की जरूरत थी। ओके, उनके जो ट्रूप्स होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेलवेज की जरूरत थी। तो बेसिकली रेलवेज उन्होंने इंडिया में सेटअप किए तो वो भी अपने ही फायदे के लिए किए, जिससे कि रॉ मटेरियल्स और लोगों का मूवमेंट एफिशिएंटली हो पाए और वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली पूरे इंडिया को एडमिनिस्टर कर पाए अपने कंट्रोल। द नेक्स्ट थिंग इज पावर जनरेशन, वो भी उन्होंने अपने लिए किया। पोर्ट सेटअप किए, जिससे कि मेनली सी पोर्ट्स वो सेटअप किए गए जिससे कि रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन में पहुंचाया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स जो थे वो लाकर के इंडिया में इम्पोर्ट किए जा सके, तो इस वजह से उन्होंने पोर्ट्स बनाए। कम्युनिकेशन में बेसिकली आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। ओके, टेलीग्राम्स और पोस्ट इसलिए सेटअप किया ये पूरा डिपार्टमेंट कि जिससे कि वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून अपने अच्छे से उसको एडमिनिस्टर कर सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, पूरी कंट्री पे उनका इफेक्टिवली कंट्रोल हो सके। तो ये सारे रीजन जो इन्होंने, पब्लिक सेक्टर था भी वो बस इन चीजों तक उन्होंने लिमिटेड रखा। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इन सब पे कोई भी ध्यान नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सो इन दिस वे इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्रिटिशर्स उसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मगर फिर धीरे धीरे कुछ प्राइवेट इनिशिएटिव की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप होती हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं। वो प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव था, उसमें गवर्नमेंट का कुछ भी हाथ नहीं था, मगर ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव से, वो कन्फाइंड थी टू जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स तक लिमिटेड थी। कॉटन इंडस्ट्रीज कई सारी कम अप हुई इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मेनली वेस्टर्न इंडिया में कई सारी कॉटन मिल्स सेटअप की गई। ओके, उनका डोमिनेशन मेनली उनको डोमिनेट करते थे इंडियंस। और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट मिल्स सेटअप की गई इन द बंगाल रीजन, जिनका कंट्रोल मेनली फॉरेनर्स के हाथ में था। ओके, मगर फिर धीरे धीरे क्या होता है, फाइनली एक मेन इंडस्ट्री जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है वो सेटअप होती है इन द ईयर 1907, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये एक मेजर इंडस्ट्री थी जो उस टाइम पर सेटअप की गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ये भी एक प्राइवेट इनिशिएटिव था, इसमें ये दिस वाज नॉट सेटअप बाय द गवर्नमेंट, दिस वाज सेटअप बाय अ प्राइवेट पर्सन। ओके, ये सेटअप हुई थी इन जमशेदपुर, जो बिहार में था उस टाइम, एंड करेंटली इट्स इन झारखंड। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट इज द फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स का मेन फोकस क्या था कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करके, रॉ मटेरियल्स जैसे कि आपके एग्रीकल्चरल गुड्स होते थे, जो आपके जूट, कॉटन, ओके, इंडिगो,
टी ये सब एक्सपोर्ट करके भेजे ब्रिटेन में, जहां पर उन ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को उन रॉ मटेरियल्स की जरूरत है और उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके फिनिश गुड्स बनाए जाएं और वो वापस से इंडिया में इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट्स में सेल किए जाएं। ओके, तो अब मेनली इंडिया क्या बन गया था, इंडिया वॉज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स प्राइमरी गुड्स। वो रॉ मटेरियल्स को सिर्फ एक्सपोर्ट करता था और इम्पोर्ट करता था फिनिश गुड्स। ओके, इंडिया से अब कोई भी फिनिश्ड गुड्स वर नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड। इंडिया में सिर्फ फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे थे और रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। अदर देन दिस, अब इंडियन मार्केट्स में इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे एक तरीके की मोनोपोली हो गई थी ब्रिटिश रूल की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मोनोपोली आप जैसे समझते होंगे कि जहां पर सिर्फ एक पर्सन, एक सिंगल पर्सन की अथॉरिटी होती है, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक तरीके से मोनोपोली हो गई थी। मोर देन 50%, अराउंड 55-60% ऑफ फॉरेन ट्रेड वॉज बींग रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। 60% अराउंड ट्रेड हमारी कंट्री का हो रहा था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था। इसके अलावा कुछ कंट्रीज के साथ हो रहा था, वो जैसे कि आपके सेलॉन जो आपका करेंट डे श्रीलंका है, चाइना, पर्शिया जो आपका करेंट डे ईरान है, इन दो तीन कंट्रीज के साथ इंडिया का थोड़ा बहुत ट्रेड चल रहा था। बट मेनली जितना भी फॉरेन ट्रेड हो रहा था दैट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, और वो भी क्या था, सिर्फ प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल्स को, और फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट करना। ओके, और ये जो था एक ब्रिटेन के साथ ट्रेड, ये और ज्यादा आसान कर दिया था जब स्विस कनाल ओपन हुआ था इन द ईयर 1869। स्विस कनाल बेसिकली एक आर्टिफिशियल चैनल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, जिससे कि अब ब्रिटेन ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को घूम करके पूरा अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चक्कर लगा करके इंडियन कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंचना पड़ता है। अब वो डायरेक्टली डिस्टेंस शॉर्टर हो गया था स्विस कनाल के खुलने से इन द ईयर 1869। तो अब उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कम हो गया था, बहुत इजीली इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फॉरेन ट्रेड ये हो रहा था। इसके अलावा देयर वाज ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ, इंडिया की जितनी भी वेल्थ थी, इंडिया की संपत्ति, वेल्थ दैट वाज बीइंग ड्रेन्ड टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में पहुंचाई जा रही थी। कैसे, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल्स थे वो सब वहां पे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। तो उस टाइम पे ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया का एक्सपोर्ट था दैट वाज मोर देन इंपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो क्या होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाएगा, मतलब आपके पास अच्छे खासे इनकम, आपकी प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था इसको ये लोग इंडियन इकोनॉमी पे लिए स्पेंड कर रहे थे, इसको ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी में नहीं स्पेंड कर रहे थे, ये खर्च किया जा रहा था किस पे, पेमेंट्स करने में, जो उनके ऑफिशियल्स थे उनकी पेमेंट्स में, वॉर्स पे, ब्रिटेन जितने भी वॉर्स लड़ रहा था उस सब का खर्चा उठाया जा रहा था इस एक्सपोर्ट सरप्लस से। वरना होना क्या चाहिए था कि इस एक्सपोर्ट सरप्लस पे यूज किया जाना चाहिए ऑन द इंडियन इकोनॉमी, उसको बेटर करने में, इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, मगर वो नहीं हो रहा था। दैट ऑल एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज बींग स्पेंट ऑन द वॉर्स। ओके, तो इस तरीके से इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था टू ओनली ब्रिटेन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल हैव टू स्टडी इज डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफी में बेसिकली हम वहां की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इलिटरेसी रेट कैसा था, बर्थ रेट कैसा था, हेल्थ कैसी थी, पब्लिक हेल्थ, ऑल दिस वी स्टडी इन डेमोग्राफी। इंडिया का पहला सेंसस जो था दैट हैपेंड इन द ईयर 1881। सेंसस जिसको हम हिंदी में जनगणना बोलते हैं, और सेंसस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल सेक्स रेशियो कितना है, चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कितनी है, वर्किंग फोर्स कितना है, ऑल दिस विल गेट टू नो थ्रू सेंसस ओनली। सो फर्स्ट सेंसस हैपेंड इन द ईयर 1881, उसके बाद से हर 10 इयर्स के इंटरवल पे सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है इन इंडिया। जो आपका ईयर 1921 था दैट वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब ये है कि 1921 एक अकेला ऐसा सेंसस था जिसमें पॉपुलेशन इंडिया की डिक्रीज
इंक्रीज हुई थी, डिक्लाइन हुई थी. अदर देन दिस, आफ्टर दिस पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली इंक्रीजिंग. ये क्यों हुआ था? दैट इन द ईयर 1921 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिक्लाइन. दैट वॉज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे. सो इस ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब इससे पहले के ईयर्स, डेमोग्राफिक ईयर्स और उसके बाद के. ओके, सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन. पर 1000 लोगों पे कितनी लाइव बर्ड्स, कितने जन्म हो रहे हैं, दैट इज योर बर्थ रेट. एंड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल. 1000 लोगों पर कितनी लोगों की मौत हो रही है, दैट इज योर डेथ रेट. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वॉज वेरी हाई. बर्थ रेट वॉज 48 पर 1000 पीपल एंड डेथ रेट वॉज 40 पर 1000 पीपल. तो जब ज्यादा बर्थ रेट होगी, ज्यादा लोग बॉर्न होंगे पर 1000 पीपल, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी. मगर जब डेथ रेट हाई है तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि पॉपुलेशन फॉल करेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा डेथ होगी पॉपुलेशन उतना डिक्रीज करेगा. मगर इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होता है हाई डेथ रेट का. हाई डेथ रेट का मतलब कि जो वर्किंग पीपल हैं, ओके, दोज पीपल हुआ आर्मी, अगर उनकी डेथ होती है और साथ में हाई बर्थ रेट भी रहेगा तो जो डिपेंडेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, जो इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर हाई बर्थ रेट और डेथ रेट का मतलब ये है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो थी वो उसका नंबर इंक्रीज कर रहा था, और जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज करेगा दैट विल लीड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट वॉज एक्सट्रीमली लो. दैट वॉज इन अ वेरी एजुकेशन वॉज इन अ वेरी पैथेटिक स्टेट. ओके, तो अगर पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री एज अ होल की बात करें तो लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%, और अगर स्पेसिफिकली विमेन की बात करें देन इट वॉज लेस देन 7%. नाउ यू कैन इमेजिन कितना कम लिटरेसी रेट था, कितने कम लोग लिटरेट थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टेकिंग नो एफर्ट्स टू इम्प्रूव दिस कंडीशन. द थर्ड थिंग इज पुअर हेल्थ फैसिलिटीज. हेल्थ फैसिलिटीज पे कोई ध्यान नहीं दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. बहुत एपिडेमिक्स और ये महामारियां बहुत कॉमन थी. अक्सर कोई वाटर बॉर्न डिजीजेज होती रहती थी. अदर देन दिस देयर वॉज हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का मतलब ये है कि वो बच्चे, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर, एक साल की उम्र तक पहुंचने से पहले जो जितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. ओके, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, उसमें से एक साल की एज अटेन करने से पहले जितने बच्चों की डेथ हो जाती है दैट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत हाई था. इट वॉज अराउंड 218 आउट ऑफ 1000. ओके, और अभी अगर हम 2011 की बात करें तो हमने बहुत इम्प्रूव कर लिया है. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नाउ द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ऑफ इंडिया इज 44 पर 1000 बर्ड्स. द नेक्स्ट थिंग इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज एज अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव. एक एवरेज एज होती है जितना एक इंसान से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जिएगा, तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे दैट वॉज वेरी लो. दैट वॉज 34 ईयर्स. अभी करेंटली बात करें इंडिया की तो ये 68 ईयर्स हो गया है. अदर देन दिस द होल पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर. ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन पॉवर्टी, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो था. जो लोग मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे उनकी इनकम बहुत कम थी.